ऑस्ट्रेलिया, ताइवान, फिलीपींस के साथ ही दर्जनों देशों द्वारा अपने प्रतिनिधियों को भेजा गया है, जिसमें तन्मय भी भारत की तरफ से ड्रीमिंग का प्रदर्शन करेंगे। यह गौरव की बात है कि भारत का विदेशों में प्रतिनिधित्व करने वाले संगीतकार तन्मय मुखर्जी उत्तर प्रदेश से हैं। तन्मय ने न सिर्फ भारत का प्रतिनिधित्व पूर्व में किया है, बल्कि कई बॉलीवुड की जानी मानी हस्तियों के साथ परफॉर्मेंस भी किया है। आज तन्मय हांगकांग में आयोजित होने वाले ड्रम कंसर्ट 2019 में आने वाले सभी देशों के बीच भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। बचपन से ही ड्रीमिंग को विशेष रूप से अपनी रुचि का केंद्र बनाया और आज वो भारत के श्रेष्ठ संगीत वादकों में अपना नाम शामिल करवा चुके हैं। उनसे की गई खास बातचीत में उन्होंने बताया कि इससे पहले वो मलेशिया में आयोजित हो चुके ड्रीमिंग कॉन्सर्ट में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका तन्मय जी। जानना चाहेंगे आपसे कि किस तरीके से आपने इस कला को जाना है, कैसे आपने सीखा और कैसे आप भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इससे पहले हमें जो जानकारी मिली थी कि आप मलेशिया भी गए हैं, तो जानना चाहेंगे कि क्या अनुभव रहे आपके, कहाँ किसने आपको ये प्रेरणा दी ड्रमिंग की? एक्चुअली मैं ड्रम्स का तो मैं बचपन से ही शौकीन था और मुझे छोटे छोटे घर के जो डब्बे होते हैं जो अपने घर में रखे रहते हैं, उन डब्बों पे बीट बजाने का बड़ा शौक था। तो मैं किचन में घुस जाया करता था और कुछ डब्बे लेके उसमें बीट्स बनाना और मुझे नए नए बर्तनों से संगीत निकालना और वो जो रिदम होती है लकड़ी से बजाना, ये वाला मुझे बचपन से ही एक शौक था। इसको गॉड गिफ्ट कह सकते हैं या फिर गॉड गिफ्ट ही कहेंगे इसको। और इस चीज को मैंने बहुत टाइम तक ऐसे ही मैंने प्ले किया, तो मेरे पिताजी माताजी ने काफी इसको देखा और बोले कि संगीत के अगर फील्ड की तुम्हें इंटरेस्ट है तो इसमें आगे बढ़ना चाहिए। आप हांगकांग जा रहे हैं ड्रम कॉन्सर्ट में, उत्साह कैसा है आपका? बहुत बहुत ज्यादा उत्साह है और थोड़ा सा कह सकते हैं नर्वसनेस भी है। नर्वसनेस नहीं बोलेंगे क्योंकि जब देश विदेश अलग अलग देशों से लोग आते हैं तो एक प्रेशर होता है कि नहीं अपने इंडियन म्यूजिक को सबसे ऊपर लेके जाना है और हमारे देश का झंडा सबसे ऊपर लहराना है, तो मुझे थोड़ा सा तो प्रेशर रहता ही है। लेकिन मेरी पूरी पूरी कोशिश है और मैंने बहुत तैयारी भी की है कि हमें हमारे संगीत जो है वो इंडियन म्यूजिक को मैं वहां पे देश विदेश में लोगों के सामने प्रस्तुत करूं और सारे जहां से अच्छा जो बोलते हैं वो इस टैग को, इस गाने को, इस लाइन को मैं सबके सामने वहां पे इसका परचम ले रहा हूं। तो ये थे हमारे साथ में तन्मय मुखर्जी, जो हांगकांग में आयोजित होने वाले ड्रम कॉन्सर्ट 2019 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं भारत की ओर से। आगे चल करके क्या नतीजे आते हैं, कैसा इनका वहां पर परफॉर्मेंस रहता है, ये तो समय ही बताएगा। कैमरामैन कालिका प्रसाद के साथ अपूर्व जायसवाल, साधना प्लस न्यूज, लखनऊ।